समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर पहुंची राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार। इस दौरान उन्होंने बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना को लेकर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कविता पाटीदार जी ने यह कहा कि बहुत विषम परिस्थिति है, मैं खुद इस कमेटी में सदस्य रही हूं और जब हम संदेश खाली गए तो हमें वहां घुसने नहीं दिया गया। इसके साथ ही वहां की पीड़ित महिलाओं ने वीडियो कॉल कर हमें अपनी आपबीती सुनाई और वीडियो में महिलाएं चीखती चिल्लाती दिखाई दे रही थी। हमने इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल को भी पत्र लिखा, लेकिन यह बात तो साफ हो गई कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं पर अत्याचार कर रही हैं और ममता बनर्जी के अपराधों और अत्याचारों की सीमा भर चुकी है। अशोक जी, क्या हाल है? ये तो बहुत ही विषम है। मैं खुद उस कमेटी में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हम सबको भेजा था, 5-6 सांसदों को, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी थे। हम लोगों ने वहाँ जाकर देखा है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे इतना अत्याचार। हम संदेश खाली जाने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर फोर्सफुली रोक दिया गया। हमने बहुत निवेदन किया वहाँ, लेकिन फिर भी नहीं जाने दिया। और वहाँ पर जो पुलिस उपस्थित थी, उन्होंने हमें ये कहा कि हमें ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई। हमने वहाँ से विक्टम्स जितनी भी महिलाएं थी, उनका हमारे पास वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने वीडियो पर बिल्कुल पुलिस के सामने ये बताया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी अस्मिता को लूटा जा रहा है और पुलिस उसके पीछे जाकर उनको पीट रही है। ये भी उसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इतने साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद भी पुलिस, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी के खाते में जमा हो गई, वहाँ प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इतना अत्याचार वहाँ हो रहा है। ये बहुत अति हो गई। मुझे लगता है कि ममता जी की जो अपराधों की और वहाँ के अत्याचारों की जो है वो सीमा आपका भर चुकी है, गला भर चुका है, घड़ा भर चुका है। और हम लोगों ने ये पूरी रिपोर्ट को लेकर हमने राज्यपाल जी से भी बात की कि कैसे 2 सेंट्रल मिनिस्टर होने के बावजूद भी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं जिसके आधार पर हमको रोका गया, और न्याय की बात खुद भी नहीं करते और अगर दूसरे करने जाते तो उनको भी रोका जाता है। तो न्याय देने का काम जिसको करना चाहिए वो अन्याय कर रहा है और दूसरों को भी न्याय नहीं करने दे रहा। ये बहुत विभत्स घटना है। और भारत में जहां हम महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी योजनाएं चला रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वही ममता बनर्जी अपने प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो शेख शाहजहाँ जो महिलाओं पे इतना अत्याचार कर रहा है उसको संरक्षण दे रही हैं। तो ये कैसी स्थिति है ये जनता जान चुकी है और मुझे लगता है कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। जो राज्यपाल है उनका भी बयान सामने आया है, वो भी बहुत दुखी थे। हम जब राज्यपाल जी के पास इस पूरी घटना को लेकर हम लोग पूरी कमेटी जब गए तो वो भी बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि मैं भी इस घटना से दुखी हूँ और लगातार जो यहाँ पर घटनाएँ हो रही है, बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी पूरी खबर उनके पास है और वो भी उसमें बहुत दुखी है। वो खुद शासन को एक रिपोर्ट सौंप रहे हैं और हमारी रिपोर्ट भी उसमें सम्मिलित की जाएगी और हम भी अलग से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो कमेटी की रिपोर्ट सौंपेंगे। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।